नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो पढ़ाई के लिए लड़कियों को विदेश भेजेगी बिहार सरकार, डिप्टी सीएम तेजस्वी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, आने वाले दिनों में बिहार सरकार इच्छुक लड़कियों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना वीमेंस कॉलेज में आयोजित एनुअल फंक्शन में इसकी घोषणा की है। तेजस्वी ने खुले मंच से ऐलान किया कि अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रही कॉलेज की छात्राओं को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेंगे। तेजस्वी यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो उनसे संपर्क करें। उन्होंने कहा कि अगर बिहार की लड़कियां आगे बढ़ती है तो राज्य का नाम रोशन होगा, वे बिहार के विकास में अपना योगदान करेंगी। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना वीमेंस कॉलेज के एनुअल फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार छात्राओं को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। इस दौरान तेजस्वी ने कॉलेज की छात्राओं के बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर उनकी तुलना माधुरी और कैटरीना कैफ से की। तेजस्वी यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनको किसी भी चीज की जरूरत हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान तेजस्वी ने कार्यक्रम में मौजूद सांसद रविशंकर प्रसाद से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग कर दी। पटना में बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, डिप्टी सीएम तेजस्वी ने एमवी गंगा का फिर किया उद्घाटन। जी हां, बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एमवी गंगा बिहार 6 साल के बाद फिर से तैयार है, जिसका उद्घाटन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को किया। बिहार में पर्यटन विभाग गंगा नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिर से शुरू किया गया है। अब आप पटना में तैरते हुए खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। तेजस्वी यादव ने उद्घाटन के दौरान कहा कि विभाग और हम सब ने मिलकर फिर से इसे शुरू किया है, जिससे लोग यहां आएं और पर्यटक के तौर पर इसका लुत्फ उठाएं। इस रेस्टोरेंट में एक साथ 48 लोग बैठकर खा सकते हैं। इसके साथ डबल क्रूज में 2 कमरे हैं, जिसमें एक VIP लाउंज और एक प्राइवेट लाउंज दिया गया है। इसमें 2 फ्लोर हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने गंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को साल 2009 में 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसके बाद यह बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। नौकरियों का साल होगा 2023, बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जल्द होगी 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि 2023 नौकरियों का साल होगा। बिहार सरकार इस वित्त वर्ष में लाखों नौकरियां देने जा रही है। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति बहुत जल्द शुरू होगी। चंद्रशेखर ने कहा कि 1 माह के अंदर नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। सारी मेगा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में नियुक्ति होगी। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं होने से बेरोजगार सरकार से यानी कि खासकर शिक्षा मंत्री से खासे नाराज है। वे लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग कई बार शिक्षा मंत्री और विधानसभा तक का घेराव कर चुके हैं। इसके बाद अब जाकर शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है। ऐसे में शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई यह जानकारी राहत वाली बात है। दरभंगा एम्स में इसी सत्र से 50 सीटों पर होगा नामांकन, पढ़ाई की इस पैलेस में हो रही है व्यवस्था। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने जा रहा है। राज्य सरकार इसके लिए अब तक जमीन क्लियर नहीं कर सकी है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि सब कुछ ठीक रहा तो दरभंगा एम्स में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए दरभंगा एम्स के निदेशक डॉक्टर माध्यानंद कार ने प्रयास शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि छात्रों की पढ़ाई आदि के लिए शहर के 3 भवनों को देखा जा रहा है। इसमें बेला पैलेस, निर्माणाधीन सदर हॉस्पिटल और DMCH परिसर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल है। एम्स के निदेशक डॉक्टर माध्यानंद कार ने बेला पैलेस स्थित पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर को प्रबंधन को जगह देने के लिए एक पत्र लिखा है। कार ने कहा कि अब तक उधर से जवाब नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हम जल्द जगह सुनिश्चित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त की कमी है और सदर अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अभी निर्माण चल रहा है, वहाँ छात्रों की पढ़ाई अभी संभव नहीं है। बिहार को जल्द मिलेगा दरभंगा से असम तक 4-लेन हाईवे, पटना सहित 3 जिलों के लोगों की खुलेगी किस्मत। असम दरभंगा 4-लेन के निर्माण के लिए पटना जिले में फतुहा व धनरुआ अंचल में जमीन का अधिग्रहण होना है। जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए दोनों अंचलों के CO के अलावा DCLR मामले के निपटारे में लगे हुए हैं। खासकर जिन किसानों की जमीन अलाइनमेंट वाले हिस्से में आ रही है, उन जमीन के कागजात को तैयार कर रहे हैं ताकि किसानों को मुआवजा सहित वितरित कर सके। जमीन अधिग्रहण के मामले में DM के निर्देश के बाद
अधिकारी रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही फतुहा व धनरुआ प्रखंड में 29.82 एकड़ सरकारी जमीन की रिपोर्ट तैयार हो रही है। फतुहा अंचल अंतर्गत 39 खेसरा और धनरुआ अंचल के अंतर्गत 35 खेसरा है। डीएम ने सीओ व डीएसएलआर से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकारी जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। आधिकारिक सूत्र ने बताया कि यह मामला अभी अंडर प्रोसेस है। बिहार में डायल 112 के लिए 7,808 पुलिसकर्मियों की होगी बहाली, 3 राउंड में होगी तैनाती। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि डायल 112 को लेकर पहले चरण में बहाल होने वाले पुलिस व गैर पुलिस संवर्ग के 7,808 पदों को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इनमें सबसे अधिक 5,856 पदों पर सिपाही व चालक सिपाही की बहाली होगी। इसके अलावा 159 पदों पर इंस्पेक्टर, 887 पदों पर एएसआई और 594 पदों पर एएसआई तैनात किए जाएंगे। इस चरण में कुल 7,808 पदों पर बहाली से राज्य सरकार पर सालाना 421.30 करोड़ रुपए का राजस्व बोझ बढ़ेगा। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक 3 चरण में सभी 7,808 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। पहले चक्र में कमांड व कंट्रोल सेंटर के लिए 391 कर्मियों की आवश्यकता है। इन पर सालाना 21.45 करोड़ रुपए का व्यय होगा। केंद्रीय बजट में बिहार को मिले 7 और एकलव्य स्कूल, इन दो जिलों में इसी सत्र से होगी पढ़ाई। बिहार में 7 और एकलव्य स्कूल खुलेंगे। अब तक 3 जिलों में एकलव्य स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में बिहार में कुल 10 एकलव्य विद्यालय हो जाएंगे। अभी केवल जमुई में बच्चों का दाखिला हुआ है। कैमूर के अधौरा और पश्चिम चंपारण के रामनगर में भवन बन रहा है। उम्मीद है कि इस सत्र से यहां भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इन दोनों जगहों पर भी 700 से लगभग नामांकन होगा। इन 3 जिलों के अलावा बिहार में 7 और जगहों पर एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इन 7 एकलव्य विद्यालय के लिए अब जगह चिन्हित की जा रही है। बिहार में फर्जी शिक्षकों की दूसरी लिस्ट जारी, 63 अध्यापकों पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश। बिहार के गोपालगंज जिले में फर्जी तरीके से बहाल हुए शिक्षकों की एक और सूची शिक्षा विभाग ने जारी की है। इसमें 63 शिक्षकों के नाम हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से पंचायत और प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयों से सेटिंग कर बहाली करा ली थी। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इन सभी शिक्षकों पर शिक्षा विभाग को एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है। डीएम की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग ने स्थापना के डीपीओ जमालुद्दीन ने बुधवार को संबंधित नियोजन इकाइयों को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट भेजी है। 5 फरवरी तक सभी नियोजन इकाइयों को संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करानी है। बिहार में अब मैट्रिक के तर्ज पर होगी 9वीं की वार्षिक परीक्षा। विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए हुआ बदलाव। मैट्रिक के पैटर्न पर ही 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा बिहार बोर्ड आयोजित कर रहा है। परीक्षा 24 से 28 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रैक्टिकल की परीक्षा 1 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा मैट्रिक में स्टूडेंट्स की मेगा को निखारने के लिए शुरू की गई है। दोनों पालियों में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र को पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा। दृष्टिबाधित और दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक रखने की अनुमति दी गई है। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान के स्थान पर संगीत व गणित के स्थान पर गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। मुंबई की तर्ज पर पटना नगर निगम भी बाजार में लाएगा अपना बॉन्ड, धन जुटाने में मिलेगी सहायता। लखनऊ और मुंबई नगर निगम की तर्ज पर अब पटना नगर निगम भी अपना बॉन्ड बाजार में लाएगा। बॉन्ड के माध्यम से निगम को विकास कार्यों के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी। इसे लेकर पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में धन जुटाने के लिए पटना नगर निगम भी बाजार में बॉन्ड लाएगा। इससे उसे विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने में सहायता मिलेगी। पटना नगर निगम के पास अभी राजस्व का एकमात्र प्रमुख स्रोत संपत्ति कर है। इसके कारण उसे अक्सर धन की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाजार में बॉन्ड उतारकर इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। मेयर ने बॉन्ड जारी करने से पहले निगम के कामकाज में पूरी पारदर्शिता लाने और इसके प्रबंधन को और मजबूत बनाकर निवेशकों के भरोसों को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने की बात कही, ताकि बॉन्ड को लोग हाथों हाथ ले। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में पहल की जाएगी।